Dear students, in the last lecture of receivables management, we have talked about first two components of credit policy in detail. In this part of the video lecture, we are going to discuss the remaining two components of credit policy in detail. So the third component of the credit policy, first two are credit standards and credit period. इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी. इस लेक्चर में हम थर्ड कंपोनेंट को पहले टेकअप करते हैं, दैट इज क्रेडिट टर्म्स. एक्चुअली क्रेडिट टर्म्स बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिस्काउंट टर्म्स एंड द पीरियड ऑफ द क्रेडिट, कि पेमेंट के क्या टर्म्स होंगे. अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हैं, 20 दिन में पेमेंट करते हैं, 30 डेज में पेमेंट करते हैं, उस पर क्या कोई डिस्काउंट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है. अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का ऑन एन एवरेज आपने उधार दिया है, लेकिन अगर कोई 30 दिन से पहले अगर भुगतान करता है तो उस पर क्या कोई डिस्काउंट मिलता है. इस तरह की जो शर्तें होती है, इस तरह की जो डिस्काउंट पॉलिसी होती है, वो क्रेडिट टर्म्स का ही पार्ट है. और जो कितने समय के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आप देते हैं और उसमें अलग अलग समय पे क्या सुविधा होगी, ये क्रेडिट, इन्हें ही क्रेडिट टर्म्स कहा जाता है. Actually, the discount and credit period are presented together. There is a standard way to present the credit terms in financial management or in corporate world. Generally, corporate world में जब भी उधार दिया जाता है तो उससे related जो discount policy होती है या जो credit terms है, उनका एक specific way है present करने का. And it is written like given here. For example, credit terms of 1/5 net 20. It means that a discount of 1% is offered if the payment is made by the 5th day. Otherwise, the full payment is due by the 20th day. मतलब 1/5 net 20 का मतलब ये है कि 20 दिन के लिए उधार दिया गया है, लेकिन अगर आप 5 दिन के अंदर ही पेमेंट कर देते हो तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा बिल पे. और अगर यही लिखा होता 3/10, फॉर एग्जाम्पल किसी और केस में 3/10 नेट 30, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट जो मिला है वो 30 दिन के लिए मिला है, लेकिन 3/10 है, यानी अगर 10 दिन के अंदर भुगतान कर दोगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा. सो इन्हें ही क्रेडिट टर्म्स कहते हैं. नाउ क्रेडिट टर्म्स में भी लिबरल और स्ट्रिक्ट. लिबरल क्रेडिट टर्म्स मीन आइदर द डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड और द डिस्काउंट पीरियड इज लेंथेंड और बोथ. मतलब कि लिबरल क्रेडिट टर्म्स का मतलब ये होगा कि या तो डिस्काउंट ज्यादा दिया जाएगा, मतलब जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ 1% की बात की, अगर यही लिबरल क्रेडिट टर्म्स होगा तो यहाँ पे 2% 3% की बात की जाएगी सेम 5 दिन के अंदर ही. या आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, मतलब आप 5 दिन की बजाय अगर 10 दिन में भी पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या 15 दिन के अंदर भी पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो ये दोनों ही लिबरल क्रेडिट टर्म्स के मतलब इन दोनों तरफ से आप क्रेडिट टर्म्स को लिबरल बना सकते हैं, आइदर यू इंक्रीज द डिस्काउंट रेट और यू इंक्रीज द डिस्काउंट पीरियड. द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एनहेंस सेल्स, रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट. जो लिबरल क्रेडिट टर्म्स का फायदे क्या है, फायदे यही है कि ये माना जाता है कि सेल्स बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी लिबरल क्रेडिट टर्म्स है, डिस्काउंट आप ज्यादा दे रहे हैं या लंबे समय डिस्काउंट पीरियड आपका ज्यादा है, तो सेल्स बढ़ने की संभावना है. एवरेज कलेक्शन पीरियड भी घटेगा, लोग टाइम बाउंड मैनर में पेमेंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने उनको थोड़ा सा लिबरल टर्म्स दिए हुए हैं. बट कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे आपकी जो अर्निंग फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3% का डिस्काउंट दिया, जो 3% का लॉस है वो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट है. आपने अगर 2% का डिस्काउंट दिया तो जो 2% का वैल्यू है वो आपका कॉस्ट है, मतलब आपको वो भूल जाना पड़ेगा जितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं. तो दैट इज वन कॉस्ट ऑल्सो. जहां सेल्स बढ़ती है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होता है, ये पॉजिटिव बेनिफिट्स है, वही कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ता है, ये उसका अदर साइड है, नेगेटिव साइड. लेट अस अंडरस्टैंड कि क्रेडिट टर्म्स हमें लिबरल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगेन रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास, एनी चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल चेंज इन बेनिफिट.
So here also we will apply the same logic for this particular problem. Credit terms ke bhi case mein ki hume credit terms ko liberal karna chahiye ki nahi karna chahiye, discount rate badhaye ya discount period badhaye ya na badhaye, wo isi pe decide hota hai ki hamari is policy change se hume net benefit hoga ya net loss hoga. So let us have an example of it. So the present credit terms of Ranjan company are 2/10, net 25. Its sales are rupees 50 lakh. Its average collection period is 20 days. Its variable cost to sales ratio is 0.75. And its cost of capital is 10%. The proportion of sales on which customers currently take discount is 0.5. The company is planning to relax its discount terms to 3/10, net 25. Which is expected to increase sales by rupees 10 lakhs, reduce the collection period to 14 days, and increase the proportion of discount sales to 0.8. The tax rate is 40%. Should the firm go for relaxing the discount terms? So, yahan pe dekhiye, discount terms, discount rate badha de rahe hain. Jahan pehle wo 2/10 25 kar rahe the, matlab 25 दिन के लिए उधार दे रहे हैं, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर आप भुगतान कर देते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है. तो इसको कंपनी बढ़ाने की सोच रही 3/10, मतलब आपको 25 दिन के उधार पर अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 3% डिस्काउंट मिलने के लिए कंपनी सोच रही है, जिससे जो संभावित सेल्स बढ़ रही है कलेक्शन पीरियड घट रहा है, लेकिन आप और बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ डिस्काउंट सेल्स भी वो हो जाएगा 0.8. सो हमें ये करना चाहिए, क्या हमें डिस्काउंट रेट बढ़ा देना चाहिए? लेट अस इवैल्यूएट. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो लेट अस गो वन बाय वन. सो ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल्स इज 10 लाख, क्योंकि आपका देखिए यहां लिखा हुआ है इंक्रीज सेल्स बाय रुपीज 10 लाख. सो सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 लाख रुपीज. लेस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 75%. So, क्योंकि याद करिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 0.75. सो इट्स वेरिएबल कॉस्ट हमने रिड्यूस किया. लेस इंक्रीज इन डिस्काउंट कॉस्ट, क्योंकि जब हम 2-3% डिस्काउंट करेंगे तो हमारा जो अर्निंग फॉरगॉन होगा, जो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट होगा, उसे भी घटाना पड़ेगा. तो देखिए ये बहुत सिंपल है. 0.8 मतलब हमें ये देखना पड़ेगा पहले क्रेडिट सेल्स कितनी हो रही है. तो आप देखिए 50 लाख पहले का, 10 लाख अभी का, टोटल सेल्स हो जाएगी 60 लाख. और 60 लाख मतलब जब बढ़ाएंगे तो टोटल सेल्स पे अप्लाई होगा डिस्काउंट, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंक्रीमेंटल पे होगा. सो हमें टोटल लॉस जो होगा, क्योंकि टोटल का 80% क्रेडिट सेल्स है, याद करिए पिछले वाले को दिया हुआ है कि इस पॉलिसी चेंज होने की वजह से प्रोपोर्शन ऑफ डिस्काउंट सेल्स, मतलब जो क्रेडिट सेल्स है जिस पर डिस्काउंट अप्लाई होगा, वो 0.8 हो जाएगा, यानी 80% तक हो जाएगा. तो 0.8 इंटू 0.3 दिस इज द डिस्काउंटिंग रेट एंड दिस इज अ सेल्स माइनस ऑलरेडी 2% डिस्काउंट चल रहा था, और वो कितने पे 50 लाख रुपए पे चल रहा था, जिसमें डिस्काउंट वाली की सेल्स कितनी थी 0.5. तो नई में से पुरानी सेल्स घटा दिया आपका डिस्काउंट पोर्शन, तो नेट इंक्रीज इन डिस्काउंट कॉस्ट इज 94,000. सो बिफोर टैक्स सरप्लस आपका सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और डिस्काउंट कॉस्ट घटाया, ये बिफोर टैक्स. फिर हमने टैक्स रेट घटाया, दिस बिफोर टैक्स इनटू टैक्स रेट दैट इज 40%. सो ये आपका टैक्स आ गया. पोस्ट टैक्स सरप्लस, सरप्लस में से टैक्स घटाया, सो दिस इज पोस्ट टैक्स सरप्लस. नाउ एड सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट. रिमेंबर आवर एवरेज कलेक्शन पीरियड इज डिक्लाइनिंग. सो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो रहा है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था बेसिकली आपका रिसीवेबल्स में, वो घटेगा, यानी अब हमारे कलेक्शंस जल्दी जल्दी होंगे. तो आपको लंबे समय के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए लोन या इन्वेस्टमेंट अरेंज करने की जरूरत, फंड्स अरेंज करने की जरूरत थोड़ा कम हो जाएगी. तो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये आप देखिए. सो एड सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट. सो कलेक्शन पीरियड में कितना सेव हुआ, पहले 20 था, अब घट के कितना आएगा 24. तो 20-14 इंटू पुरानी सेल्स कितनी थी 50 लाख डिवाइडेड बाई 360. तो पर डे सेल्स ये हो जाएगा हमारा पुरानी सेल्स में बचत, माइनस आपका नया देख 75% क्या है कॉस्ट, याद करिए वेरिएबल कॉस्ट, फिर 14 डेज और 10 लाख पर डे, और कैपिटल कॉस्ट थी 0.1%. सो इससे तो हमें पता चल रहा है कि हमारा बेसिकली कितनी इन्वेस्टमेंट सेव होगा, क्योंकि कलेक्शन पीरियड कम हो गया है तो हमें अब कम फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे,
और जो एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंटल सेल्स है, ये जो दूसरा टर्म है, ये जो एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंटल सेल्स है ये 10 लाख की, इसकी कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी वो देख लिया, वो सेकेंड टर्म से आ जाएगा। सो हमारा जो इन सेविंग इन इन्वेस्टमेंट है वो नेट आ रहा है 5,417। सो 6 में से हमने 7 ऐड कर दिया, सो द नेक्स्ट नेट नेक्स्ट नेट वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स देर इज अ गेन। सो इफ वी चेंज, इफ वी इंक्रीज द डिस्काउंट रेट, देन वी हैव नेट गेन, दैट इज 99,017 रुपीज। सो वी शुड अडॉप्ट दिस पॉलिसी चेंज इन क्रेडिट टर्म्स। फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इज कलेक्शन एफर्ट्स। सो यू ऑल नो कलेक्शन एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी नीड्स टू फॉलो अप इट्स डेटर्स, अपने डेटर्स को इनको लगातार फॉलो अप करना पड़ता है कि वो टाइमली पेमेंट कर लें, और इस कलेक्शन एफर्ट्स में भी कुछ कॉस्ट इनकर होती है। सो अपने बैड डेट लॉसेस को कम करने के लिए फर्म को कॉन्टिन्यूस एक अपना कलेक्शन डिवीजन सेटअप करना पड़ता है, और रिसीवेबल्स की प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उनको एफर्ट्स करने चाहिए। तो कलेक्शन पॉलिसी का ये फोर्थ कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द फर्म ऑल्सो नीड्स अ सॉलिड कलेक्शन पॉलिसी, एंड दिस पॉलिसी हेल्प्स इन इंश्योरिंग टाइमली कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर्स टू कस्टमर्स हुज ड्यू डेट इज अप्रोचिंग, थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन टू ओवरड्यू अकाउंट्स, एंड लीगल एक्शन टू अगेंस्ट ओवरड्यू अकाउंट्स। एक्चुअली देर आर 3 स्टेप्स इन कलेक्शन एफर्ट। कलेक्शन एफर्ट्स में एक कंपनी को सभी पॉसिबल ऑप्शंस के लिए तैयार होना चाहिए। पहले तो उन्हें कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर देना चाहिए अपने कस्टमर्स को, जिनकी ड्यू डेट पेमेंट की पास आ रही है, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ताकि उनको याद रहे और टाइमली पेमेंट मिल जाए। इवन अगर कुछ आपके कस्टमर्स टाइमली पे नहीं कर पाए हैं, तो आप उनको बताइए कि अगर आप हमें समय पे नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। हर फर्म चाहती है, हर कस्टमर चाहता है कि मेरी रेपुटेशन मार्केट में बर्बाद ना हो और मैं किसी लीगल झंझट में ना फंसूं, एंड देयरफॉर दे वुड लाइक टू पे, दे वुड लाइक टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस। सो कई काफी पेमेंट्स हो जाते हैं, बट दे इट माइट आल्सो बी पॉसिबल दैट इन फ्यू केसेस और इन सर्टेन केसेस, इन स्पाइट ऑफ योर कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर्स, इन स्पाइट ऑफ लीगल थ्रेट, दे आर नॉट मेकिंग पेमेंट। So in those cases, you need to decide and you need to take legal action. You need to sue them into the court. आपको उनको उनके ऊपर केस करना पड़ेगा, ताकि और आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपके पेमेंट्स वापस आए। So a strict collection policy tends to decrease sales. बहुत hard और बहुत strict collection policy रखेंगे तो sales levels घटेगी, and average collection period भी आपका घटेगा, क्योंकि सेल्स थोड़ा सा कम होगी दूसरा, लेकिन कलेक्शंस टाइमली होंगे तो कलेक्शन पीरियड घटेगा, एंड बैड डेट परसेंटेज भी रिड्यूस होगा, आपके बैड डेट लॉसेस भी घटेंगे। हाउएवर देयर विल बी इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंसेस, आपके कलेक्शन एक्सपेंसेस में डेफिनेटली राइज होगा। सो ऑन द अदर हैंड अ लिबरल कलेक्शन पॉलिसी वुड पुश अप सेल्स, सेल्स तो बढ़ा देगी बट आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बढ़ा देगी, एंड बैड डेट लॉसेस भी बढ़ने की संभावना है। हाउएवर देयर विल बी सम रिडक्शन इन कलेक्शन एक्सपेंसेस, बट इन दोनों के बीच ये फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी ले, वो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के लिए जाए या लिबरल के लिए जाए या कोई इंटरमीडिएट वे फॉलो अप करे, बट जो भी डिसीजन लेना चाहिए इसे अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल लेना चाहिए। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। Suppose GLA company is considering to liberalize its collection effort. Its sales are rupees 25 lakh. Its average collection period is 25 days. And its variable cost to sales ratio is 0.75. Its cost of capital is 12% and its bad debt ratio is 0.05. The relaxation in collection effort is expected to increase sales up by rupees 4 lakh. Increase the average collection period to 35 days and the raise the bad debt ratio to 0.06. The tax rate is 40%. So, in the current case, the company is considering to liberalize its collection effort. And due to change in the collection effort, what would be the impact on sales and bad debt losses? These are given. So, should the firm relax its collection effort? So, let us see. So, due to this change in policy, we are expecting that sales would go up by 4 lakh rupees. Variable cost is 3 lakh, 75% of that.
we have to reduce. Then increase in bad debt loss. Bad debt mein loss jo hai, wo 0.05 tha, remember? So that we have reduced. And then before tax surplus. So we have deducted variable cost and increase in bad debt losses from sales. Now less tax. Tax was 40%, so humne tax minus kiya, and then post tax surplus, that is 4 minus 5. Now because there has been increase in cost of investment, kyunki average collection period badha hai, dhyan rakhiyega, average collection period badhega yani cost of investment bhi badhega kyunki aapko funds lambe samay ke liye arrange karne padenge. To kitna badhega? So this is the new collection period and this is the old. New collection period is 35, old is 25, and old sales level is basically 25 lakh. So 25 lakh per day sales aa jayega, plus new incremental sales kitni hai 4 lakh, aur aapka isme variable cost kitna hai 0.75, and cost of capital hai kitni 12. To aapko is additional ke liye 12% pe aapko funds arrange karne padenge. To total investment kitna required hoga? 72,944. So this additional investment is required because of increase in average collection period. So post tax surplus minus this additional increase in investment. So there is incremental loss. So there is incremental loss because the figure is coming 42,344 negative. So because of the liberalizing the credit collection policy, there is net incremental loss. So firm should not liberalize its credit collection efforts. So after talking about various components of credit policy, the next important aspect is monitoring accounts receivables. So accounts receivables ka ek tarah se aap keh sakte hain ki unka management, unka classification भी बहुत जरूरी है. सो अगर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है कि कौन सा रिसीवेबल्स का ड्यू डेट कब आ रहा है, कब उसको रिसीव करना है, और एक पर्टिकुलर फर्म में अमाउंट जो रिसीवेबल्स है, जो सन्ड्री डेटर्स है, उनका कितना अमाउंट है, कहीं वो आवश्यकता से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी बैड डेट लॉसेस बहुत बढ़ा दे. सो इन एस्पेक्ट को देखते हुए उनकी, इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. और दो कॉमनली यूज मेथड्स हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए. वन इज डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग एंड अनदर इज एजिंग शेड्यूल मेथड. सो द फर्स्ट इज डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एट दैट टाइम टू एवरेज डेली सेल्स फिगर फॉर द गिवन टाइम पीरियड. इट मीन्स ये मेजर ये बताता है कि एक दिए गए समय पर ऑन एन एवरेज जो रिसीवेबल्स हैं वो पर डे सेल्स के कितने गुना है. मान के चलिए कि अगर DSO डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 15 आ रहा है, अगर डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 15 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एक समय पर एक गिवन डेट को जो रिसीवेबल्स हैं वो पर डे सेल्स की 15 गुना है, पर डे सेल्स के 15 गुना. So if the average daily sales is 1 lakh, then average daily receivables are of 15 lakh rupees. Yani 15 lakh rupees ke barabar ke receivables hai. So this gives the amount of receivables in a particular firm on a given date actually. And you can calculate DSO at a given date. Account receivables at time t, total account receivables t पे कितने हैं, and divided by average daily sales. Average daily sales actually एक reference window लेते हैं, उसके लिए हम average daily sales calculate करते हैं. For example 3 months, 6 months, 30 days, 60 days. मान के चला कि हम 30 days window लेके चल रहे हैं, तो हम 30 दिन की अलग अलग sales जो होती है वो calculate करके उसका average निकाल लेते हैं, और एक particular date को, और फिर किसी given date को टोटल रिसीवेबल्स कितने उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस महीने के पर डे सेल्स के कितने बराबर, कितने गुना आपके रिसीवेबल्स हैं. सो इफ इफ
DSO in a year is decreasing, मतलब day sales outstanding अगर घट रहे हैं तो इसके दो implications हो सकते हैं. एक, या तो आपने आपके receivables घट रहे हैं, receivables इसलिए भी घट सकते हैं कि या तो आपने बहुत strict credit policy adopt कर रखी है, या आपके collection efforts बहुत कम है और आपके timely जो receivables है वो timely आपके मिल जा रहे हैं, वापस उनका भुगतान हो जा रहा है. दूसरा है एजिंग शेड्यूल. एजिंग शेड्यूल इज वेरी सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मैच्योरिटी. जब आप अपने रिसीवेबल्स को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सारे कस्टमर्स को सेम टाइम पीरियड का रिसीवेबल क्रेडिट देते हो, कुछ को आप 10 दिन का क्रेडिट दे रहे होंगे, कुछ को 20 दिन का, कुछ को 30 दिन का, जो अच्छे कस्टमर्स हैं जिनकी आपके साथ बहुत लंबे से बॉन्डिंग है, क्रेडिट वर्थीनेस ज्यादा है, उनको ज्यादा समय के लिए भी आप उधार दे सकते हैं. सो सिंपली अरेंजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी और टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज एजिंग शेड्यूल. सो एजिंग शेड्यूल जैसे इस टेबल में आपका दिया हुआ है, ऑन द वन हैंड वी हैव टाइम पीरियड इन डेज, ऑन द अदर हैंड वी हैव परसेंट ऑफ रिसीवेबल्स. सो फॉर एग्जाम्पल अप टू 30 डेज, 30 दिन तक के जो रिसीवेबल्स हैं उधार दिए वो टोटल रिसीवेबल्स के 35% है. मतलब टोटल रिसीवेबल्स में 35% रिसीवेबल्स ऐसे हैं जिनको जो 30 दिन के लिए उधार दिए गए हैं. फिर 45% ऐसे हैं जो 31 से 60 के बीच में है, और फिर 61 से 90 के बीच में आपके 15% रिसीवेबल्स है, और 90 डेज से ज्यादा के 5%. हालांकि एक फर्म हमेशा चाहेगी कि उसका एजिंग शेड्यूल जो है लोअर वैल्यूज पे कंसंट्रेट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसीवेबल्स कम ड्यूरेशन के दिए हों, ज्यादा से ज्यादा रिसीवेबल्स आपके 40-50 दिन के अंदर के ही होने चाहिए, जिससे एक साइकिल मेंटेन, कन्वर्जन साइकिल मेंटेन रहता है, बैड डेट के लॉसेस कम होते हैं और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कम होता है. जितने ज्यादा टाइम पीरियड के आप रिसीवेबल्स यानी क्रेडिट उधार दोगे, उतना ज्यादा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा और आपको बेसिकली रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उतने ज्यादा फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे. सो एजिंग शेड्यूल एक तरह से आपको रेडीमेड गाइड है कि आपके क्या टाइम पीरियड है, और अगर ऑन एन एवरेज ज्यादातर रिसीवेबल्स कम टाइम पीरियड के हैं तो एक फर्म के लिए ये बेहतर है. हालांकि एक नया इसी जो एजिंग शेड्यूल का एक नया अप्रोच आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कलेक्शन मैट्रिक्स. अंडर दिस कलेक्शन मैट्रिक्स रिसीवेबल्स एंड सेल्स आर अरेंज्ड मंथ वाइज सेल्स अरेंज कर दिया जाता है कि कितना सेल्स कैश आएगा, कितना सेल्स उस मंथ में, कितनी सेल्स कैश है और कितना क्रेडिट बेस पे है, कितना क्रेडिट कलेक्शन हो रहा है. तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी मंथ में लिखा हुआ है मंथ ऑफ सेल्स, यानी जो ये 13% लिखा हुआ है, 13% यानी उसी मंथ की सेल्स का है, वो आपका कैश कलेक्शन है. यानी और फर्स्ट फॉलोइंग मंथ, यानी जो आपने पिछले महीने कोई क्रेडिट सेल्स की थी, उसका 42% आपका पहले महीने वाला जनवरी में आ रहा है. कोई आपने पिछले महीनों में 2 महीने 3 महीने पहले की थी, जिसका 2 महीने का उसका जो दूसरे महीने का कलेक्शन है वो जनवरी में 33% आ रहा है, और इसी तरह सो ऑन. सो इस कलेक्शन मैट्रिक्स से आपको ये आइडिया आ जाता है कि किस महीने में कौन सी उधार का कितना कलेक्शन होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अगेन ज्यादातर कलेक्शंस कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगी कि उसके कलेक्शंस लंबे समय के हों, ज्यादातर तो लोग चाहेंगे कि जो उधार है वो उसी महीने में या उसके नेक्स्ट मंथ में, और मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो जाने चाहिए. तो कलेक्शन मैट्रिक्स बेसिकली एजिंग शेड्यूल का ही एक एडवांस फॉर्म है, थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि कलेक्शन किस किस महीने में किस तरह की रिसीवेबल्स का एक्सपेक्टेड है. So through this, by days sales outstanding, by applying aging schedule and by charting collection matrix, firms try to monitor their receivables. They try to control the amount of receivables at a particular point of time. So this is all about receivables management. If you have any question, you can mail me. Thank you.